ये अपनी चाट वाट खुद बना लो ठीक है, इधर सूप मिल जाएगा, यहाँ पे भी देखो वो सब चावल वगैरह मिल जाएगा। भाई बारिश आ रही है भाई, टाटा टाटा करो। स्वाद एवरेज है ना, इधर अच्छा है ना कम है। सो हेलो सब गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस मैं अभी आया था, तुमने मेरी पूरी सीरीज देखी होगी तमिलनाडु रामेश्वरम, और मैं काफ़ी जगह गया, राम सेतु भी गया था मैं। तो अभी फिलहाल हम तमिलनाडु से आए हैं मुंबई, यहाँ तक हम ट्रेन से आए हैं, और अभी मुंबई से मैं जा रहा हूँ दिल्ली। तो मैं ट्रेन से जाता ना मुंबई से दिल्ली, तो अभी 32 घंटे हम तमिलनाडु से यहाँ पर यहाँ तक आए मुंबई तक, और मुंबई से फिर दिल्ली हमें लगते 16 घंटे और, तो इसलिए हम जा रहे हैं भाई फ्लाइट से। फ्लाइट से हमें लगेंगे सिर्फ 2 घंटे मात्र। तो इस बार ये मेरा दूसरी बार होने वाला जो मैं फ्लाइट में बैठ रहा हूँ, सेकंड टाइम मैं फ्लाइट में बैठ रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने ब्लॉग बनाया था जब मैं आया था ना मुंबई, आया था रामेश्वरम जाने के लिए मुंबई आया था, तो मैं बैठा था फर्स्ट टाइम, और इसी ट्रिप में मैं घर जाने के लिए बैठ रहा हूँ सेकंड टाइम, मतलब इसी ट्रिप में मेरा 2 बार ही हो रहा है फ्लाइट में। तो भाई मज़ा आ जाएगा। और इस बार जो मेरी एयरलाइन होने वाली है घर जाने के लिए, वो होने वाली है एयर इंडिया, और जब मैं दिल्ली से मुंबई आया था वो थी मेरी विस्तारा। जो भी एयर इंडिया का एक्सपीरियंस होगा, क्या खाना खाने को मिलेगा, कैसा व्यू आएगा, वो सब मैं आपको बताऊंगा। और ये मेरा एयर इंडिया का फर्स्ट टाइम है और फ्लाइट का सेकंड टाइम है। सर ऐसा कुछ एयरपोर्ट है मुंबई का देख लो भाई। तो अभी गाइस अपना आराम से पर बैठे हैं, क्योंकि अपनी फ्लाइट है 3:30 बजे की फ्लाइट है, और अभी हम बहुत जल्दी एयरपोर्ट में आ गए, और करते भी क्या, अपना आराम से एयरपोर्ट में आ गया, लेटेंगे। और तो फालतू ऐसे बैठे भाई, अपने बैग वैग यहाँ रखे हुए, ये ऐसे बैठे हुए पूरी सीट है ना, ये ऐसे रिक्लाइन। तो अभी हम बैग वैग लेके जा रहे हैं अभी, तो ये कुछ ऐसा एयरपोर्ट है भाई, एयर इंडिया का है अपना। तो अभी एयर इंडिया सेलेक्ट करके यहाँ पे पूरा टिकट ई नंबर डालेंगे, ले लूंगा टिकट है स्कैन पे, इसको उठा ये देखो भाई, तो ये इसमें हम डाल देंगे पूरा, अपना बोर्डिंग पास निकल आएगा। पूरी स्लिप स्लिप फटके गिर रही है, पता नहीं क्या है भाई। चल जा भाई एयर इंडिया, चल भाई एयर इंडिया, डिपार्चर आ गया अपना, बोर्डिंग पास गिर गए, उठा उसको भी उठा, चाहिए वो दोनों भी चाहिए भाई, दोनों के दोनों चाहिए भी भाई। चल काउंटर पे, और ये मेरा है भाई सुजल कर, बोर्डिंग पास मैं अगर यही करूंगा। तो अभी गाइस अपना सिक्योरिटी चेक इन हो गया, ये अपना कितनी बसड़ हुई है, बसड़ हुई है, वो बताऊंगा नहीं अभी, क्या बताऊंगा नहीं, तो भी लड़का हमारा गवार साबित हो जाएगा भाई। वाटर वाटर लाउड है, तो बताओ इसमें कैन की कैन है, इसमें जो मैं वहाँ से पानी लेके आया था रामेश्वरम से, वो लाउड नहीं कर रहे बताओ। फिर भी 2 थी मेरे पास, तो एक ले आया मैं, एक मतलब मुझे छोड़ दी। मैं आगे देखो क्या कर रहा है बंदा, पहली बार बैठा बाइक पे, पहली बार बैठा है भाई बाइक पे। तो भाई यहाँ पे ही आ जाएगा अपने फ्लैट का भी MG, ये देखो वॉल्वो, वॉल्वो है ये, तो गाड़ी यहाँ पे खड़ी है टेस्ट वेस्ट के लिए। ये खाने का सिस्टम सारा है, देखो कितना अच्छा बना रखा है एयरपोर्ट, दिल्ली का भी अच्छा है बस। सो अभी गाइस अपन यहाँ बैठ गए भाई, प्लेन व्लेन देख रहे हैं, और इसका लैपटॉप ही नहीं चार्ज हो रहा है, स्विच ऑफ हो गया बिल्कुल, बैटरी खत्म भाई, मैंने तो अपना फोन यहाँ चार्जिंग में लगा रखा है ये। और अभी गाइस मैंने मंगाया पिज्ज़ा, तो वाओ भाई वाला पिज्ज़ा देखते हैं भाई, और पिज्ज़ा खाते हुए व्यू के साथ। और हमारी और मेरे को ना लॉन्च का एक्सेस मिल गया, 1247 का मेरा लॉन्च का एक्सेस है, मेरा कार्ड एक्सेस कर दिया HDFC का, तो अंदर जाके लॉन्च में दिखाता हूँ क्या क्या है, और बैठने का सिस्टम है, खाने पीने का भी है। अभी गाइस बाहर तो बारिश आ रही है, देखो बारिश में ही प्लेन को टेक ऑफ कर रहा है, वो देख रहा हूँ लैंड कर रहा है वो, देखो बारिश में प्लेन, भाई बारिश आ रही है भाई। और भाई आंखों से कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है ये, है ना, वैसे नहीं लग रहा। लॉन्च में आ चुका हूँ, देखो ये पूरा लॉन्च है। तो मैंने लॉन्च में एंट्री ले ली कार्ड एक्सेस करवा के, जो मैंने पहले एक्सेस करवाया था वो कैंसिल हो गया, तो मैंने दोबारा एक्सेस करवाया। तो भाई लॉन्च में कुछ ये सब मिला है, पनीर लेके आया हूँ, चावल ली, चाउमीन है, रोटी बटर, और ये वेज रैप है, और ये फेंटा ले आया, फेंटा कोक स्प्राइट तीनों थी, और भी कुछ था सामान, और भी जब लेके आऊँगा ना तो मैं दिखाऊंगा पूरा मेन्यू वगैरह। तो लॉन्च काफ़ी अच्छा है, देख लो 2 रुपये में सब कुछ मिलेगा, अनलिमिटेड जितना मर्जी खाओ अनलिमिटेड। बाकी यहाँ से व्यू देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना, लॉन्च कितना बढ़िया है देखो, अब तुम्हें सिटिंग पूरा सिटिंग एरिया मिल जाएगा उधर। सर मैंने भी खाना ट्राई करा है, और मतलब तो खाने का टेस्ट कैसा है, ये ठंडे पड़े हैं, एक दो चावल और पनीर अच्छी है, पनीर इतना टेस्ट खास नहीं चाउमीन का, और रोटी थोड़ी कैडी है, बाकी फैंटा बहुत ज़्यादा चिल्ड है, मज़ा आ गया पीने में इसको तो यार। तो अभी गाइस देखो यहाँ पे, देखो ये लेमन जूस है, और ये कुछ मिठाई है, केले है, तो भाई यहाँ पे देखो चीज़ी चिकन, चिकन है ये, तो चिकन अपन खाते नहीं है, कुलचा उलचा रखा हुआ है ये, देख लो भाई क्या क्या, मेरे को भी नहीं पता क्या क्या है, तो मैं धीरे बोल रहा हूँ। यहाँ पे ये सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है, अमूल बटर है, ये चीज़ है, टमाटर का केचप है, ऊपर ये सब मिल जाएगा, दाल वाल, ये देखो ये अपनी चाट वाट खुद बना लो ठीक है। बाकी इस साइड भी देखो ये सब मिल जाएगा, चावल वावल, गुलाव गुलाव बन मिल जाएगा, इधर डोनट, हलवा, पनीर, गुजराती दाल, ये चावल है, इधर सूप मिल जाएगा, यहाँ पे भी देखो वो सब चावल वगैरह मिल जाएगा, और देखो कॉफ़ी वगैरह मिल जाएगी, और भी सब देखो बिस्लरी मिल जाएगी, ये सब मिलेगा, बस अनलिमिटेड जितना मर्जी लो यहाँ पर। सो भी गाइस मैं मैक्रोनी लेकर आया हूँ, और वो चावल लेके आया हूँ, चावल और दाल, बाकी मेरे को यहाँ पे चाउमिन सही नहीं लगी, और रोटी कैडी थी, बाकी तो भाई पनीर सही था, चावल भी सही थे। और अभी देखो ये स्मूदी भी यहाँ पे अनलिमिटेड मिल रही थी, ये वाली भी, ये दाल चावल लेके आया हूँ, चीज़ी मैक्रोनी लेके आया हूँ इस बारी, और व्यू बढ़िया लग रहा है यार, देखो बादल आ रखे ऊपर, और जो दाल मैंने खाई है अभी दाल अच्छी है, बढ़िया है, और ये मैक्रोनी खाता हूँ अब ठंडी, तो भाई देखते हैं कैसी लगेगी।
मैं सही बताऊँ ना, मैक्रोनी बहुत ही बेकार है, इतना बेकार टेस्ट आ रहा है मैक्रोनी में से, सिर्फ मैदे मैदे का स्वाद आ रहा है बस, कोई टेस्ट ही नहीं है। बाकी दाल चावल ही खाता हूँ अभी, मैक्रोनी नहीं खाई जा रही भाई, दाल चावल तो खा लूँगा भाई। सही यार, टिकट है, मतलब खाना भी हो गया, ये भी हो गया, स्मूदी वूद भी होगी, अपना आराम से रेस्ट भी कर लिया, और टिकट में अब दिल्ली पहुंच जाएंगे। मतलब टिकट प्राइस है बिल्कुल वसूल लिया मैंने अपना टिकट, और मेरे को टिकट ही बहुत सस्ती पड़ गई, एयर इंडिया की मेरे को टिकट बहुत चीप पड़ी है, 3650 3650 रुपये मेरे को टिकट पड़ी। उसमें देखो ये सब खाना अनलिमिटेड और फ्लाइट, फ्लाइट तो खैर लिमिटेड है, आराम से घर पहुँच जाएंगे अपना 2 घंटे में, खाना तो अनलिमिटेड है भाई, कॉफ़ी भी आ गई। आपने ना आपने मिल्क पे कर दिया होगा? नहीं नहीं कहता, चिलो भी किया था। अच्छा नहीं, थोड़ा वेट करना पड़ता ना फिर आ गया, ओवरफ्लो हो जाएगा अपन। ये क्या है ये? चलो भाई ये लेके तो आया हूँ मैं यार, पर पीने में कड़वी लगे, पता नहीं कैसे बनेगी, ये पहली बारी, गरीब हूँ यार, पहली बारी आया हूँ, कड़वी है यार अभी तो। मैंने ये लिया अभी, देखो सारे ऑप्शन है, यहाँ पे सॉल्ट है, पेपर है, बटर है। सब एक बार तो मैं आ गया हूँ लॉन्च और ये एक लेके आया, मैं पीऊँगा आराम से, है ना, बैठ के बढ़िया जी। प्लेन खड़े हुए देख रहे हो कितने बढ़िया लग रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से व्यू बढ़िया आ रहा है। जा रहे हैं अपना जहाँ जिस गेट से हमारी फ्लाइट चलेगी, मतलब बोर्डिंग है, उस गेट पर अपन जा रहे हैं, और हमारी जो बोर्डिंग पास से जो गेट लिखा हुआ है, गेट नंबर, वो चेंज हो गया हमारा, मतलब अभी चेंज हुआ है, पहले 41 था, 49 हो गया। अपने गेट के पास से पहुँच गया, ये देखो काफ़ी सारे गेट हैं सर, और वो देखो वो रहा अपना गेट, हमें वहाँ पर जाना है। देखो तो ये रहा अपना A1 जो लिखा है ना, देखो A1442 दिल्ली, देखो ये लोग जाएंगे पायलट वायलट, ये देखो एयर होस्टेस पायलट ये सब चले गए अंदर। तो गाइस ये अपनी फ्लाइट है, और वो देखो वो लगेज जा रहा है, देख रहे हो, ये है अपनी दिल्ली की फ्लाइट, एयर इंडिया जा रही है दिल्ली, तो वो रही अपनी एयर इंडिया की फ्लाइट, वो वाली देखो उसमें जाएंगे अपन। ओके सर, पायलट सबको गाइस, ये बिजनेस क्लास है एयर इंडिया की, देख लो भाई बिजनेस क्लास, तो ये अपनी सीट है भाई प्लेन की, यार सीट इतनी खास नहीं ना, इस तरह की सीट बढ़िया थी भाई, अपन बैठ तो गए, देखो सीट बेल्ट भी लगाऊंगा बाहर से, और कुछ ऐसा व्यू है देखो, ये यहाँ पे ना बूंदे बूंदे आ गई है, आप तो हट जाएंगे खैर बूंदे, बाकी वो देखो विस्तारा खड़ी हुई है, ये अपना कुछ ले रखा है देखो, वो ही है विस्तारा में जैसे गए थे वैसे ही है खाने का, और ये देखो नमस्ते इंडिया, ये सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं एयर इंडिया में, देखो बाकी वही सिस्टम आप एसी की हवा है, विस्तारा में क्या था पूरा दिख रहा था एसी की, पूरा जब आ रही थी हवा, यहाँ की जो सीट है ना एयर इंडिया की विस्तारा की बढ़िया थी, बहुत ज्यादा बढ़िया थी एयर इंडिया से, पतली पतली सीट है। ये क्या है ये देखिए, ये क्या है ये टिशू पेपर भाई, उसमें पूरा क्वेश्चन दे रखा था विस्तारा में, पर यहाँ पे वो दे रखा था विस्तारा में पूरा टच वाला सीन, उसमें कुछ भी देखो सुनो गुनो सब कुछ करो। फ्लाइट उड़ेगी तो मैं तुमको दिखाता हूँ फ्लाइट उड़ने वाला पूरा सीन दिखाऊंगा जब टेक ऑफ करेगी वो, ठीक है। स्टार्ट तो हो गया प्लेन, अभी टाइम है अपने, अपनी फ्लाइट उड़ने 5 मिनट का है अभी। सारा का खाना भी अच्छा था, अभी यहाँ का खाना आएगा वो मैं खा के बताऊँ कैसा था। और मैंने पिछली फ्लाइट में टॉयलेट नहीं दिखाया था, तो टॉयलेट भी दिखाऊंगा इस बारे में जाकर तुम्हें। बाय बाय मुंबई, बाय बाय, धीरे 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 आगे बढ़ रहा है, और ऊपर देखो इंस्ट्रक्शन दे जा रहे हैं। चलो भाई अपने सारे इंस्ट्रक्शन हो गए भाई, बहुत अच्छे से चल रहे हैं भाई, कृपया अपना सामान ऊपर बने सामान कक्ष में आपके सामने वाली सीट के नीचे रखें। तो विस्तारा में ये सब नहीं बताया था, एयर इंडिया में बता रहे हैं, बढ़िया लग रहा है यार। टाटा टाटा करो, मेंबर आ रहे हैं अभी, खाना वाना लेकर आ रहे हैं, बढ़िया देखो खाना ला रहे हैं, थैंक यू मैम। सुबह अपना खाना तो आ गया भाई, है भाई वेज है मेरे भाई, ये देख वेज है। तो भाई अपना खाना आ गया, ये क्या दिया है पता नहीं,
देखते हैं अभी ये स्वीट है। अरे वेज पकड़ा दिया भाई। ये भाई नॉन वेज आ गया तुम्हारा। हंसो भाई अब तू रोना। सकल दिखती पापा जी पनीर भाजी पाव इसको चिकन मिला है। मेरे को मिली है भाई ये स्वीट है कुछ ठीक है खाने में पर विस्तार है कि अच्छी चीज़ से इसको भी टेस्ट करते खाकर। कश पनीर तो बहुत हार्ड है यार देख लो अभी टेस्ट करते भाई सही है यार स्वाद तो बस खाने का ओवरऑल स्वाद एवरेज है ना अच्छा है ना कम है खास भाई ये खाते हैं अभी ये कुछ पाव है भाई ठीक है भाई ठीक है। सो गाइस ये जो है ना ये तंदूरी पनीर है देखो इतनी अभी आ गई है भाई कॉफ़ी और ये क्रीमर है इसमें डालते हैं अभी ठीक है। कैसी लगी चाय? फ्रेंडली अच्छी देखने में लग रही है ना उतनी पीने में बेकार है भाई। अभी मैं आपको वॉशरूम में अवेलेबल की कुछ नहीं है शीशा लगा हुआ है और लाइट वाइट है भाई सुनती यहाँ से मैंने ऐसे ये ऐसे लूट और हो जाता है ये टिशू पेपर लग रखा हुआ है ये टिशू पेपर है भाई ये वॉशिंग के लिए और और ये वो ये डस्टबिन ये वॉशरूम और ये पूरा ऐसे वॉशरूम है सब अपन पहुंच गए दिल्ली मतलब इन्होंने वो इंस्ट्रक्शन दी थी कि तुम पहुंच जाओ लैंड करने वाले और प्लेन में बहुत नीचे आ गया है जैसे तुमने सिनेमैटिक शॉट में देखा प्लेन अपना कितना नीचे आ गया पहले तो बहुत ही ऊपर था भाई और बादलों से भी ऊपर था बहुत जल्दी पहुंचा दिया इसने हमारा अराइवल मतलब आधे घंटे पहले इसने लैंड की घोषणा कर दी और अभी भी 15 मिनट तो लेगा ही लैंड करने में अगर पहुंच गया होगा तो अगर नहीं पहुंचा होगा तो टाइम लगेगा पहुंचने में। सो बिकॉज दिल्ली आ गया अपना भाई देख लो वापस घर आ गया। दिल्ली का मौसम खराब है भाई बारिश बारिश का मौसम हो रहा है फुल एकदम दिल्ली में और देखो भाई पूरा द्वारका देख रहा है सामने से द्वारका गुड़गांव सब है भाई वही है देखो नहर जा रही है दिल्ली वो जो जाती है ना नहर हाँ गुड़गांव वाली वही है नहर है ये मुझे पता नहीं पर भाई दिल्ली तो आ गया भाई तो अपने पंखड़ भी बंद हो चुकी है वो देखो वहाँ पे प्राइवेट जेट खड़े देख रहे हो ये देखो ये रहा और आगे दिखा तो हमें ये देखो ये प्राइवेट जेट खड़े हैं भाई ये प्लेन नहीं है प्राइवेट जेट है। फाइनली अपना प्लेन रुक चुका है और यहाँ से पूरी बोर्डिंग बोर्डिंग शुरू हो गई देखो लोग भाग रहे हैं कुत्तों की तरह भाई अब बताओ विस्तारा बढ़िया लगा या फिर ये विस्तारा बढ़िया लगा विस्तारा मैंने प्रीमियमनेस थोड़ी ज्यादा विस्तारा बढ़िया लगा आपके प्राइस से और जिस प्राइस में हमने ये लिया ना वो बेस्ट है सही है भाई थम्स अप दोनों को भी बढ़िया है। सो गाइस ये बिजनेस क्लास है चलो भाई बाहर चलो वाओ वेलकम टू दिल्ली व्यू प्लेन से उतरते डीटीसी बस मिलेगी टिकट ले ली बस की भाई देखो ऐसे कुछ नजारा है बाहर का भाई दिल्ली में देखो तो फाइनली अभी घर चलते हैं ना कैब बुक करके एयरपोर्ट पर आ गए भाई भूलिया बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है बाहर वाले एयरपोर्ट आ गए वापस तू वो वाह वाह महाराज शिवाजी से यहाँ पे आ गए इंदिरा गांधी भाई चलो भाई उठा लो ये रहा अपना अपना घर पहुँच गया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या मौसम लग रहा है भाई और ये देखो ये मैं वहाँ से लेके आया था मुंबई के लॉन्च से और अपनी ट्रिप यहीं पे खत्म होती है वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब कर देना तुम्हारे भाई का चैनल का अब ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो आती रहेंगी और मैंने आपको पूरा अपना एयर इंडिया का एक्सपीरियंस दिखाया भाई कैसी फ्लाइट है एयर इंडिया और विस्तारा दोनों में कंपेयर ही बताया भाई बहुत मेहनत लगी वीडियो बनाने में ट्रिप में भी बहुत मेहनत लगी इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर लेना ये मेरा यूजर साइड में आ रहा होगा चलिए वीडियो में टिल देन बाय।